नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। गरियाबंद में भीषण गर्मी का सितम लगातार सातवें दिन भी जारी है। लू के थपेड़ों और तेज धूप की वजह से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। दिन के समय सड़कें सुनसान हैं। जरूरी काम के लिए घर से बाहर निकले लोग तेज धूप से बचने के लिए छांव ढूंढते और शीतल पेय पदार्थों की दुकानों पर नजर आ रहे हैं। गर्मी के असर की पड़ताल करने जब न्यूज फ्लैश की टीम फील्ड में निकली तो इस कड़ी धूप में मजदूरी कर रहे मजदूरों पर ध्यान गया। 44-45 डिग्री के तापमान में धूप में काम कर रहे हैं। साथ ही इस भीषण गर्मी में एक व्यक्ति ऐसा भी है जो इन मजदूरों के लिए गमछा बांटता हुआ दिखा। इमरान मेमन पर जिलेवासी इन्हें प्यार से इम्मू दिलेर भाई जान के नाम से पुकारते हैं। इम्मू अपने मोपेड पर गरियाबंद के विभिन्न जगहों पर देखे गए परागांव रोड पर घर बना रहे मजदूरों को गमछा बांटा, उन्हें छाछ पिलाया। फिर वे नया तालाब रोड पर ट्रैक्टर से ईंट खाली कर रहे मजदूरों के पास गए और उन्हें भी गमछा और छाछ वितरण किया। उसके बाद मुक्तिधाम में काम कर रहे मजदूरों को गमछा वितरण कर इम्मू अपने नए पड़ाव की ओर निकल पड़ा। इमरान हर वर्ष तिरंगा बांटता है, वहीं जाड़े के मौसम में ज़रूरतमंदों को गर्म कपड़े बांटता है। कोरोना काल में जब लोग अपने घर से निकलने से घबराते थे, उस विषम परिस्थिति में इमरान बस्ती के कई लोगों के घर राशन पहुंचाने का काम करते। हम सब ने उन्हें देखा है। शायद यही वजह है कि इनके कारण नगरवासियों ने इन्हें इमरान मेमन से इम्मू दिलेर भाईजान का खिताब दिया है। नौतपे की इस भीषण गर्मी में जहां अभी लगातार 45 से 40 डिग्री की अभी गर्मी यहां पर पड़ रही है, जिसको देखते हुए अचानक से मेरे मन में एक ख्याल आया कि जो गरीब मजदूर हैं, जो पटका नहीं ले पा रहे थे, जो पेय पदार्थ से भी वंचित थे, उनके लिए मट्ठा छाछ और कुछ पेय पदार्थ लेकर के गया और उनको मट्ठा पेय पदार्थ वगैरह और पंछा वगैरह दिया। और इस चैनल के माध्यम से मैं एक बात सभी ठेकेदारों को और जो काम करवा रहे हैं मजदूरों से, उनसे सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम इस भीषण गर्मी में राहत देते हुए इन मजदूरों को 12 से 3 की छुट्टी अवश्य प्रदान करें, क्योंकि परिवार इनका भी है, घर इनका भी है और इनके भी बाल बच्चे हैं। तो सबको ध्यान में रखते हुए मैं सभी ठेकेदारों से निवेदन करना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से कि कृपया उन्हें 12 से 3 की छुट्टी अवश्य प्रदान करें।